आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज आप सभी का एग्जाम था 10+2 का एसएससी सीएचएसएल का। एक बात मैं बोलूंगा मैथ के क्वेश्चन करवाने से पहले कि जिनका भी आने वाला शिफ्ट है ना, मैंने सीजीएल का भी पेपर देखा और आज भी पहले दो शिफ्ट का पेपर मैंने देखा है। विश्वास मानो जो भी एग्जाम देने जाएंगे ना, कम से कम देखो कुछ पेपर बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, जो एग्जाम में लेकिन बैठ जो रहे हैं उनको पता है एग्जैक्ट कि पेपर हार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन सही मैंने बोलोगे ना कि पेपर सच में हार्ड नहीं आ रहा है अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए एग्जाम से पहले। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमेशा बोल रहा हूं ना, एग्जाम देने से पहले मेहनत तो आप सभी ने किया होगा। और मेहनत का मतलब ये होता है एग्जाम से पहले, जो अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीपीओ का एग्जाम हुआ 19वीं, उसके पेपर तो आप सभी ने देखा ही होगा अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम भी जो है वो एसएससी करवा रहा है। साथ साथ लास्ट का 3 से 4 साल का पेपर भी, अगर 3-4 साल छोड़ो आप सभी, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लास्ट के 1 से 2 साल के अगर पेपर आपने सॉल्व किया है एसएससी का, तो मुझे नहीं लगता मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप उठाकर देख लो एक एक क्वेश्चन जो है आपका इसी एग्जाम के अंतर्गत से आ रहा है। मैंने एलजेब्रा के भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, प्रीवियस ईयर 19 में जितने क्वेश्चन आए हैं आप देख लो, एक एक क्वेश्चन वहां से फंस रहा है। अब ये नहीं कि सारा दिन पूरा मैथ पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाशन, अरिहंत कबूक, आरएस अग्रवाल, भैया कुछ आया नहीं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, आप अगर मेहनत सही तरीके से कर रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ सीजीएल का, आप वो सारे क्वेश्चन देख लो, सीपीओ का देख लो, लास्ट 1-2 साल का सीएचएसएल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, किस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में कर कर आओगे। विश्वास मानिए रीजनिंग में प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आज के एग्जाम में बहुत आसान बना था, ये नहीं बोल सकते कि बहुत टफ बना है। सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के ऊपर हुआ क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है वही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं सीजीएल में कितना सारा क्वेश्चन आया। और मैं अर्थमैटिक वगैरह बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि अर्थमैटिक बहुत आसान आ रहा है, ऊपर से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आए थे जो बहुत आसान थे। तो मेनली क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका यह था कि मार्केट प्राइस, अगर मान लो कोई भी सामान आप लेकर आए उसका जो मूल है वो 30% तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, 30% आपका जो है अंकित मूल कर दिया गया, तो नॉर्मल मान लो एक बात समझिए, उसके बाद बोला गया आपको डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितने का दिया गया, 35% का डिस्काउंट दिया गया, तो आपको बताना है लॉस प्रतिशत कितना होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में था, बताओ हार्ड है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना है। क्वेश्चन मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूं, फटाफट कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला है आप कोई भी सामान है, मान लो ये डस्टर है, इसका जो दाम है मैंने 30% बढ़ा दिया एमआरपी। अब मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। उस पर क्या किया, डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट किस पर देते हैं, डिस्काउंट किस पर देते हैं, जो सामान का दाम पीछे लिखा रहता है उस पर डिस्काउंट देते हैं, ना कि लागत पर। ये तो मेरा लागत है, ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा एमआरपी है, तो डिस्काउंट इस पर देंगे। और डिस्काउंट देने के बाद जो दाम निकलता है वो क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। अगर इस पर 35% का डिस्काउंट दिया जाए 130 पर तो कितना होगा, 10%, 13%, 20%, 26%, 30%, 39%, 5% आपका 13 का आधा कितना होगा, 6.5 यानी 45.5, यानी 45.5 अगर निकाल दे इसमें से तो कितना बचेगा। अब अगर वहां से 30 निकालो, 15.5 निकालो, आप बोलेंगे भैया यहां पर बच जाएगा आपका 84.5, ये बचेगा आप सभी का, तो ये 84.5 क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब एक बार दिमाग में समझिए, 100 रुपए के सामान को 30% बढ़ाएं, इतना अंकित मूल्य कर दिए, उसके बाद 35% का डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, हमें लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ है, 100 पर, तो क्लियर दिखाई दे रहा है हमें कितने का लॉस हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन था आज के एग्जाम में, ये क्वेश्चन था। आप बोलेंगे भैया थोड़ा समझाओ लॉस की, अब इसमें क्या समझाना है, 15.5% का लॉस हुआ है, देख लो क्लियर क्लियर नजर आ रहा है हमें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज का था, बहुत बेसिक सवाल बना है, कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम में हिला कराओगे। अर्थमैटिक क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूं क्योंकि अर्थमैटिक बहुत आसान बना है। एक क्वेश्चन बना है आपका, ए और बी किसी काम को मिलकर
सवाल ये बोला है, ए और बी किसी काम को मिलकर जो है वो 15 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 40 दिन में कर रहा है, तो आपको बताना है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। कितना आसान सवाल है, कितने, आपको मैंने हजार बार बताया है, आप क्या ले लो एलसीएम, ऐसा नंबर ले लो जिससे दोनों कट जाए, तो वो क्या होगा आपका 120 होगा, 240 होगा। मान लेते हैं टोटल काम 120 है, 120 काम को करने के लिए ए बी को 15 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15 × 8 = 120, और डेली अकेला ए कितना काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे ए अकेला 3 काम कर रहा है। अब ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं और ए अकेला 3 काम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है ना। अगर ए बी 8 काम कर रहा है और ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अगर इसमें से 3 निकाल दे, ए निकाल दे, तो क्या बचेगा, बी, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और 120 काम करने के लिए बी कितना समय लेगा, आप देखो, आप बोलेंगे 24 दिन का समय लगेगा। ये सवाल था, अर्थमैटिक को मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूं आज की क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी है, और मैं बार बार बोल रहा हूं पेपर सॉल्व करवाना बड़ा बात नहीं है, थोड़ा डर रहता है कि भैया क्वेश्चन दिखा दो समझते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं अभी भी टाइम है, रात रात भर जग कर सीजीएल के क्वेश्चन, सीपीओ क्वेश्चन, लास्ट 1-2 ईयर क्वेश्चन देखो पढ़ो, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप सभी कर आएंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये था, देखो एक्स वाई का मान दिया गया है 50 और एक्स माइनस वाई दिया गया है 43, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या सोचना क्या है, आप देखो आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिल सकता है, तो आप बोलेंगे भैया मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो मिल सकता है, मिल सकता है ना, कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूला पर बैठा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, आपको ये निकालना है इसका मान कितना दिया गया, 43 का स्क्वायर क्या होता है 1849। आप बोलेंगे भैया इतना जल्दी कैसे कर दिए, मैंने आपको समझाया है ना, 43 का स्क्वायर कैसे निकालते, 50 से कितना कम है, 50 से 7 कम है, तो 25 से 7 घटाओ कितना होगा 18, और जितना घटाए हैं उसका स्क्वायर कर दो 49, कहानी खत्म, आपका ऐसे करना है। अब आपको पता है ये चीज निकालना है आप सभी को, पेन कहां है, ये चीज आप सभी को जो है वो निकालना है ये चीज, और ये पता है आपका एक्स वाई का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया है, अब 2xy दिया गया है तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 100 हो जाएगा, और जब 100 इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी कितना हो जाएगा 1949 मान हो जाएगा आपका इसका, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। अब एक क्वेश्चन और देख, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट मैं करवाता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये था, देखो ये मान लो हमारे सामने सर्कल है और ये एक ऐसे दिया गया है, ठीक है, मैं बार बार बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो एग्जाम में, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आपको दिया गया ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है, आपको बोला क्या है ए और बी का दूरी दे दिया गया है 11 और आपको बोला क्या है ओ बी इस यहां से यहां का दूरी दे दिया गया आपके सामने 6 और आपको ओ डी इसका मान दे दिया गया है आपका कितना, ओ डी का मान दिया गया है आपका 4 और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सी डी का मान कितना होगा। आसान है, कोई वही थ्योरम फॉर्मूला लगाना है आपको, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, इस पर आपको पुट कर देंगे आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब मानो सवाल में कुछ नहीं है, अब मान लो आप बोलेंगे भैया ओ ए कहां दिया गया, 11 है ये 6 है, तो 11, 6, 17 ये हो जाएगा, ओ बी क्लियर है आपके सामने 6, ओ सी बी कहां पर है कैसे निकाले बताते हैं ना, ओ डी पहले यहां पर 4 लिख लो, ओ सी कितना हो सकता है, तो ओ सी जो होगा मान लो इसको हम मान लो ए मान लेते हैं, मान लो ए मान लिए, ए तो लिखे है ना, इसको मान लो आप सभी एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ओ सी का जो लेंथ होगा यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 4 यही होगा ना, ये प्लस ये। अब यहां से अगर एक बार आराम से निकल जाएगा ना, इसमें प्रॉब्लम किसी को भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व कर लो, इसका मान आपको पूछा है कैसे निकलेगा, 17, 6 कितना होता है, ये 102 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x + 16, अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4x
ये हो जाएगा आपका, मान लो दो निकाल दिए 14, 86 हो जाएगा, 86 बराबर 4x तो कितना हो जाएगा 21, 21 चौके 84, 21.5 हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा ना 21.5, एक्स का मान कितना आ जाएगा 21.5, 84 और आपका 4 यानी 86 बिल्कुल, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारा 21.5 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में था, बस ये फॉर्मूला पर आपको पुट करना है, थ्योरम है ये थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सवाल में। मैं बार बार बोल रहा हूं ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना बोल रहे हैं भूल जाओ आपने क्या पढ़ा है, आप बस हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ उसके पेपर देख लो, लास्ट एक दो साल का पेपर सॉल्व कर लो, एक एक क्वेश्चन फंस रहा है एग्जाम। एक सवाल हमारे सामने एग्जाम में ये था, देखो एक बार ध्यान से, ये आपका ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बीच में एक मीडियन है, ये एम है, आपको पूरा एरिया दिया गया है आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ये एंगल आपका ए बी एम पूछा है, जब पूरा 18 है तो हाफ हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में सवाल था और कुछ नहीं है, आपसे पूछा है एंगल ए बी एम 18 का हाफ कर दो, आंसर आपके सामने होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये था कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया गया है आपका 200, ठीक है, रेट दिया गया है 10% और आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, बताओ। पेन उठाने का एग्जाम में जरूरत है, मैंने कितना बार बताया है, अगर दर 10% है तो 2 साल का CI 21% हो जाएगा, 10, 10, 20 और 100/100 21%, ये हमारा 2 साल के लिए सेम रहेगा, 20% 10, 10, 20 अंतर कितना है 1%, 1% का मतलब अगर 200 है तो 100% का मतलब कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 20,000। ये सवाल एग्जाम में था आपका आज का, बताओ सवाल हार्ड है या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आप सभी को। एक सवाल हमारे सामने ये था 15% लॉस होता है तो सामान को कितने में बेचते हैं, 2,55,000 पर, ठीक है, 15% जब लॉस पर होता है तो सामान को बेचते कितने पर, इतने पर, तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए सामान को कितने पर बेचना होगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप सभी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत बेसिक सवाल है, 15% नुकसान पर बेच रहे हैं यानी सामान को 85% पे बेच दिए, कितना में, इतने में, ठीक है, तो 10% प्रॉफिट यानी 110% के लिए सामान को कितने पर बेचना होगा ये पूछा है, तो 85 से ये कितने में कटेगा, देखो भैया क्यों काट रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जा सकते हैं एग्जाम में, 85% बराबर आपका 2,55,000 है तो 110% का वैल्यू पूछा है तो कितना होगा आपका, यहां से हो जाएगा आपका 110/85 तो 85 से ये कटेगा आपका 8, 240, 15 तीन बार में, 3,000 × 110 यानी आपका 3,30,000 हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में था, बहुत बेसिक क्लास है, अगर हर एक चैप्टर का बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी को। एक सवाल आप सभी को दिया गया था यहां पर, हाँ एक सवाल आपके एग्जाम में था ये वाला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है, साइन थीटा का मान पूछा है आप सभी से, बताओ सवाल हार्ड लग रहा है, आप सभी इतना तो पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, अब इसी को तोड़ दो ना आप किस चीज में, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी के मान में, उसके बाद ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, ये टूट गया, उसके बाद इसका मान दिया गया है 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, जब ये 2 नीचे जाएगा तब, तो यहां पर पुट करिए ना आप सभी वही चीज को, कॉट थीटा बराबर 1/2 हो गया, इससे ये कटा, इसका मान कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2, 4, 5/2, अब इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो साइन निकल जाएगा आपका भाई 4/5 आंसर हो गया साइन थीटा। ये सवाल आपके एग्जाम में था आज का, देख रहे हैं हर एक चैप्टर का बेसिक सवाल आ रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल आप सभी देखो एक बार, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है,
एक सवाल दिया गया था को क्या बोलते हैं न्यूमेटर, इसको क्या बोलते हैं न्यूनोमेटर, और आपको बोला है ये आपका चार दिया गया, ये सात दिया गया है, अगर दोनों में एक्स जोड़ते हैं ठीक है तो जो रिजल्ट आता है वो 2:3 आता है। तो आपको एक्स का मान बताना था, 4 × 3 = 12 और 7 × 2 = 14 कितना हो जाएगा। क्लियर नजर आ रहा है 2 हमारा आंसर है। देख लो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको स्टेप आगे जाने का जरूरत नहीं है। 4 × 12 + 3x = 14 + 2x ये इधर जाएगा तो 2 बचेगा, वो इधर आएगा तो x, x का मान क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ये सवाल आपके एग्जाम में था, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाओ। एक बहुत सारे सवाल है जो बहुत इजी भी बने। एक सवाल हमारा शायद आपको यही मैंने करवा दिया है पता नहीं, फिर दोबारा करवा दे रहे हैं, करवाए ना सवाल ये वाला देख लो एक बार। आपको बोला है ये बी है ये एल है, रेक्टेंगल दिया गया है और आपको बोला है परिधि पेरीमीटर दे दिया गया है 50 और अनुपात में दिया गया है एरिया, यानी एरिया पूरे रेक्टेंगल का बट्टा लेंथ वो 5:1 दिया गया है। आपसे बोला है लेंथ कितना होगा, आप बोलेंगे लेंथ तो भैया एक हो गया ना, ये अनुपात में दिया गया है तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है आप सभी के सामने। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 5 दिया गया है और नीचे एल है, एल से एल कटेगा तो बी हमारा क्लियर निकल गया 5, यानी बी के जगह पर आंख बंद कर 5 रख दीजिए। उसके बाद पेरीमीटर 50 है, फॉर्मूला पता है 2l + b होता है और ये हमारा 50 दिया गया है और ये 2 अगर नीचे जाए तो 50 कितना बन जाएगा आपका 25 बन जाएगा, बी हमारा 5 है, 5 उधर जाएगा तो 25 से लेस होगा 20 हो जाएगा हमारा लेंथ। ये आपके एग्जाम में सवाल था, सवाल हार्ड नहीं आ रहा है, सवाल आ रहा है इजी, लेकिन आप कितना मेहनत की है, मेहनत भी उतना नहीं करना है, बस बेसिक चीज पढ़कर जाना है हर एक चैप्टर का, वो सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है। अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना एग्जाम से पहले, सभी एग्जाम बहुत अच्छे से देंगे ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जिनका भी कल एग्जाम है।